नमस्कार, मैं खुशबू यादव और आप देख रहे हैं BNY न्यूज, एक नई आवाज एक नई पहचान। हम आपको प्रदेश और देश की तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं। इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की खबर में क्या हो रहा है। थाना सलीमपुर पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का किया गया पर्दाफाश, सरगना सहित 5 अभियुक्त गिरफ्तार। आपको बता दें, आज दिनांक 22/2/2024 को जनपद देवरिया के थाना सलीमपुर क्षेत्र अंतर्गत मझौली राज स्थित बलभद्र नारायण इंटर कॉलेज में 4 परीक्षार्थियों के स्थान पर कुटर रचित आधार कार्ड पर परीक्षा दे रहे अभियुक्त गण रेशम लाल पुत्र विदेशी निवासी मुरार खेरा थाना संपूर्ण नगर जनपद लखीमपुर खेरी बाल अपचारी संदीप कुमार आराम अवतार निवासी नान कपार कबीरगंज थाना हजारा जनपद पीलीभीत अनीश कुमार पुत्र दिलीप निवासी मुरार खेरा थाना संपूर्ण नगर जनपद लखीमपुर खेरी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करते हुए उनके मुखिया बबलू उर्फ दर्शन सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी गिरधरपुर कॉलोनी थाना संपूर्ण नगर जनपद लखीमपुर खीरी को विद्यालय के पास से गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। BNY न्यूज के लिए देवरिया से मोइन खान की रिपोर्ट। थाना सलीमपुर पुलिस द्वारा मझौली राज स्थित एक इंटरमीडिएट कॉलेज से 4 परीक्षार्थियों के स्थान पर कूटरचित आधार कार्ड के जरिए परीक्षा दे रहे 4 अभियुक्तों उनके मुखिया को गिरफ्तार करते हुए थाना सलीमपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। ऐसी तमाम और खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए।